हेलो, मेरा नाम सचिन है और आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 18, एक्सरसाइज 18 सी का क्वेश्चन नंबर 1। अब ये क्वेश्चन है कंस्ट्रक्शन का और ये क्वेश्चन दिया गया है एसएससी मैथ की बुक से, तो आइए खत्म करते हैं। तो क्वेश्चन में दिया गया है कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल इफ AB इक्वल टू 4.3 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 5.4 सेंटीमीटर, CD इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, DA इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर एंड एंगल ABC इक्वल टू 75 डिग्री। मतलब ये कि क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन में दिया गया है 4 आर्म दिया गया है और 1 एंगल दिया गया है, तो इस फिगर को कैसे ड्रा करेंगे आइए देखते हैं। तो दिया गया है AB इक्वल टू 4.3 सेंटीमीटर, AB हमने कर लिया है ड्रा, AB इक्वल टू 4.3 सेंटीमीटर हमने कर लिया है ड्रा। अब हमें क्या करना है, BC इक्वल टू 5.4 सेंटीमीटर। तो हमने देखा लिखा हुआ है BC इक्वल टू 5.4 सेंटीमीटर है ना, लेकिन ध्यान देने वाली बात एक और है कि यहां लिखा गया है ABC इक्वल टू 75 डिग्री। कैसे, AB तो हमने ड्रा कर लिया है और BC यहां जाएगा, ये AB है फिर BC, तो पूरा एंगल ये वाला कितना डिग्री का होना चाहिए, 75 डिग्री का होना चाहिए। और ध्यान यहां भी देना है ये जो BC है, BC की ये जो लेंथ है होना चाहिए 5.4 सेंटीमीटर। तब हम इसे कैसे ड्रा करेंगे ध्यान दीजिएगा। तो 5.4 सेंटीमीटर को ड्रा करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा स्केल का, ठीक है, रूलर, मतलब रूलर। तो रूलर पे कुछ इस तरीके से लिखा गया होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से लिखा गया होता है और हमें लेना है लेंथ 5.4 सेंटीमीटर। 5 यहां है, 5 और 6 के बीच में टोटल कितने लाइंस होते हैं, छोटे छोटे 10 लाइंस होते हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 लाइंस होते हैं। 5 के बाद 0.4 लेना है, तो 5 इधर है, 1, 2, 3, 4 4 पे जाना है, 4 पे जाना है, यही होगा 5.4 सेंटीमीटर। मतलब यहां, यहां से लेके यहां तक, तो कंपास को यहां एक नोक यहां रखना है, दूसरा वाला यहां रखना है, ठीक है, एक नीडल यहां रखनी है, दूसरी वाली यहां रखनी है, तो इतनी ही डिस्टेंस होनी चाहिए। इसको लेकर क्या करेंगे, बी को सेंटर मानेंगे, बी एज अ सेंटर एंड ड्रा अ कर्व, एक कर्व ड्रा करेंगे कुछ इस तरीके से, बी को सेंटर मानकर, बी से इस कर्व का डिस्टेंस है कितना 5.4 सेंटीमीटर, कितना 5.4 सेंटीमीटर बी से इसकी दूरी है। अब हमें क्या करना है, इसको इससे नहीं मिलाना है, अभी अभी हमें क्या करना है, बीसी को ड्रा करना है, लेकिन एबी और बीसी लेके एबीसी 75 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ड्रा कर लेते हैं एक दूसरा कर्व, नेक्स्ट कर्व ड्रा करते हैं, बी को सेंटर मानकर एक कर्व ड्रा करेंगे कुछ इस तरीके से, ड्रा कर लिया, फिर यहां इसको सेंटर मानेंगे, पहला कर्व ऐसे ड्रा करेंगे, फिर इसको सेंटर मानकर दूसरा कर्व ऐसे ड्रा करेंगे, है ना, जो यहां से जो जिस रेडियस का जो है हमने एक कर्व ड्रा किया उसी रेडियस का इसको सेंटर मानकर उतने ही दूरी पर इसको ड्रा किया, फिर उतने ही दूरी पे इसको सेंटर मानकर दूसरा कर्व ड्रा किया। तो एक बार जब हम कर्व ड्रा करते हैं, एक दूसरे कर्व को जब कट करते हैं, तो पहली बार 60 डिग्री का एंगल बनता है, फिर इसको सेंटर मानेंगे, यहां से यहां तक के बीच में ये भी 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो 60 और 60 कितना हुआ, 60 प्लस 60 हुआ 120 डिग्री। तो हमें 120 डिग्री का एंगल तो बनाना नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, हम जो है थोड़ा सा और कम करेंगे, इस टोटल जितनी डिग्री का एंगल है इसे थोड़ा सा और कम करेंगे, तो कितना कम कर सकते हैं, दूसरे वाले एंगल का आधा कर सकते हैं,
तो इस वाले 60 डिग्री के एंगल का आधा करना है, तो इसको सेंटर मानेंगे, इसको सेंटर मानेंगे, तो इसको सेंटर मानेंगे तो यहां एक कर्व यहां बनेगा, इसको सेंटर मानेंगे तो एक कर्व यहां बनेगा, ठीक है। तो दोनों कर्व एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। तो इसको हम ले जाएंगे, इससे मिला देंगे, तो बन जाएगा ये वाला एंगल कितने डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, है ना, क्योंकि ये जो 60 ये था, ये भी 60 था, तो इसको दो भाग में डिवाइड कर दिया, इस वाले 60 को टू पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो क्या हो गया 30 और 30, तो ये 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है, तो इसका यूज हमें करना नहीं है, ये 60 ये 30, तो कितना हुआ 60 प्लस 30 कितना हुआ 90 डिग्री, 60 प्लस 30 इक्वल टू 90 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, हमें अभी जो है कितना चाहिए, 75 चाहिए, ठीक है, 90 डिग्री एंगल नहीं चाहिए, तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हम क्या करेंगे, अभी भी हमें कितना सब्ट्रैक्ट करना है, 90 डिग्री में से अगर हम 15 डिग्री सब्ट्रैक्ट करेंगे तब हमें आएगा 75 डिग्री, मतलब 16 और 30 ये है टोटल कितना है 90 डिग्री है, 90 में से अगर 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे आएगा 75 डिग्री, जो कि एबीसी है, एबीसी कितना है 75 डिग्री का है, तो ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री को हम टू पार्ट में डिवाइड करेंगे, 30 को टू पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 15 प्लस 15, तो टू पार्ट में डिवाइड करेंगे, यहां से यहां तक 60 है, इसको टू पार्ट में डिवाइड करेंगे तो इसको सेंटर मानेंगे, एक कर्व यहां बनेगा, इसको सेंटर मानेंगे दूसरा कर्व यहां बनेगा, तो 30 को दो पार्ट में डिवाइड करेगा क्या हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 15 इधर हो जाएगा, 15 इधर हो जाएगा, तो 15 और 15 कितना हो गया 30 डिग्री, तो यहां हो गया, इसका तो इधर वाले का यूज नहीं करना है, सिर्फ इधर वाले का यूज करना है, क्योंकि हमें 75 डिग्री बनाना है, ठीक है, तो ये 60 इधर 15 इधर, तो 60 प्लस 15 कितना हुआ, टोटल 90 था, उसमें से हमने 15 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 75 यहां बन गया, 75, 60 प्लस 15 75 डिग्री यहां बन चुका है। ये हम सिर्फ ऐसा नहीं करना है, ये सिर्फ समझने के लिए बता रहे हैं, ठीक है, तो 16 और 15 60 डिग्री और 15 डिग्री 75 डिग्री हो गया, तो हमें यही चाहिए था, तो 75 डिग्री बन चुका है, और इसी को हमें ले जाकर मिला देना है इससे, इस वाले ऊपर वाले कर्व से, तो यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है 5.4 सेंटीमीटर है, जिसको हमने यहां जो है डिस्टेंस लेके एक कर्व ड्रा करा था, तो इसका लेंथ है 5.4 सेंटीमीटर ए बी बी सी, तो आप देखेंगे एंगल ए बी सी कितना बन गया, 75 डिग्री का एंगल बन चुका है, तो ये हो गया, ये हो गया एबीसी, मतलब 75 डिग्री का एंगल भी बन गया है, टोटल बन चुका है ना। अब हमें क्या करना है, अब हमें बनाना है सीडी, सीडी का लेंथ क्या है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, मतलब ये जो पूरा लेंथ है ये 5.4 था, उससे जो है हमें 5 पे सिर्फ जाना है, यहां आ जाना है, ठीक है, तो हमें यहीं तक लेना है, इस बार एक नोक यहां एक नोक यहां, तो हमें 5 सेंटीमीटर सीडी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो इसका एक नोक यहां रखेंगे सी को सेंटर मानकर, और दूसरा नोक जो है डिस्टेंस जितना लेगा, तो यहां से यहां तक यहां सेंटर मानकर एक कर्व ड्रा करेंगे, ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर यहां से लेके यहां तक के बीच कितना है 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, लेकिन इसे अभी हम मिलाएंगे नहीं, कहां मिलाना है ये बाद में पता चलेगा, ठीक है, हमने लाइन नहीं ड्रा करी, फिर हम ड्रा क्या करेंगे डी ए, ए बी बी सी, यहां सी डी हो गया, मतलब डी यहां रहेगा, कहीं भी रहेगा, अभी नहीं पता चल रहा है, फिर डी ए, यहां डी ए, डी ए का 4.8 सेंटीमीटर, मतलब 4 इधर है 5 इधर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 5 और 4 5 4 और 5 के बीच में टोटल 10 लाइंस होंगे, हमें 0.8 लेना है, 4 इधर है, 0.8 लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 लेना है, 8 यहां मिलेगा, तो इसको लाके यहां मिला देंगे, तो दूसरा नोक यहां रखेंगे, इसी तरीके से इस बार A को सेंटर मानकर 4.8 सेंटीमीटर पे एक कर्व ड्रा करेंगे, जो प्रीवियस कर्व मतलब D वाले कर्व को, CD वाले जो कर्व को यहां कुछ इस तरीके से काटेगा, तो क्या करेंगे C को मिला देंगे D से, D को मिला देंगे A से,
तो आपका तैयार हो चुका है कौन सा एंगल, एंगल सी डी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, डी इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर तैयार हो चुका है। तो यह है आपका क्वाड्रिलेटरल, मतलब हिंदी में बोलेंगे इसे चतुर्भुज। तो यह आपका तैयार हो चुका है फिगर। अब हम क्या करें, बात सब समझ में आई होगी, अगर नहीं समझ में आई तो आप हेट कमेंट कर सकते हैं, अगर समझ में आई हो तो अच्छा कमेंट भी कर सकते हैं, और ज्यादा अच्छा लगे तो वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो अब भाई मुझे देखिएगा, बात समझ में आए तो वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। बाय।